कानून मेरा पहला प्यार है और तुम दूसरा। मैं अदालत में जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा। क्या अभी डरते डरते नहीं रहेंगे? कम से कम 5 साल की सजा दे दो। कानून मेरा पहला प्यार है और तुम दूसरा। मैं अदालत में जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा हो। डरते डरते क्या? मैं जाके कमिश्नर से अभी बात करती हूँ। आज की सीक्वेंस की बात करें तो कहा क्या था आज उसने, और फिर उसको आपने बहुत जबरदस्त दबंग तरीके से उसको अंदर डाला, फिर घूम के एकदम मस्त सिंगम स्टाइल में टॉक लगाया। क्या है कि चुहिया जो है अभी IPS चुहिया कपिल नारायण हो गई है, तो जो भी रिश्ते हैं जो भी नाते हैं वो सब उसके घर तक हैं, लेकिन अगर कोई कानून के नियम तोड़ेगा तो वो उसको तोड़ देती है। और उसमें जो है कपी नारायण जो चुहिया के हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, कपी थोड़ा सा उसमें आके कि मतलब मेरी बीवी तो IPS ऑफिसर है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, उसने कुछ नियम रूल्स तोड़ दिए हैं, और कुछ मतलब 5 रूल्स तोड़े हैं उसने, और वो बहुत लाइटली ले रहा था इस बात को। लेकिन चुहिया क्योंकि अब IPS चुहिया कपी नारायण हो गए तो वो तो छोड़ेगी नहीं, तो वो अपने पति को मतलब हथकड़ी पहना के कॉलर खींच के उसने ला के हवालात में डाल दिया। अब कभी जो है अपनी बीवी के पैर पकड़ रहा है कि मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया करके, तो वो यही बता रही है कि यहाँ पे पति नहीं हो, पति तुम अपने घर पे हो, पति जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुमने कानून तोड़ा है तो मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मतलब एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हुए पत्नी वर्ता का धर्म कुछ भी नहीं निभा सकती, क्योंकि मैं अभी देश की सेवा में लगी हुई हूँ, देश की सेवा का धर्म निभा रही हूँ, पत्नी वर्ता धर्म तो मैं घर पे निभाऊंगी। पति ने ऐसा क्या कर दिया था कि मतलब? अरे पति ने पहली चीज तो बाइक चला रहा था, हेलमेट नहीं लगाया उसने, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसने सिग्नल ब्रेक किया, उसको चालान भरने के लिए बोला गया तो उसने चालान नहीं भरा, प्लस वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे उनको वो चकमा देके निकल गया है, कह रहे तुम्हें क्या पता मेरी बीवी को, तुम नहीं जानते मेरी बीवी तो ये है वो है, तो ये गलत बात है। और वैसे भी मतलब चलिए मतलब जो भी बाइक चलाते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बाइक चलाने वाले स्पेशली प्लीज हेलमेट जरूर लगाएं, लाइसेंस जरूर रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपके ससुर जी का भी गए थे उनको छुड़ाने के लिए, तो कहीं उनका दबाव आप पे बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो ससुर जी से तो मैं मिली ही नहीं। अच्छा, हाँ। क्योंकि बाबूजी से तो अगर मिलती तो फिर बाबूजी को उल्टा मैंने ये बोल दिया कि आपने अपने परिवार को इतना जो संस्कार सिखाया है, अगर कानून का पालन करने के संस्कार भी आपने सिखाए हुए थे होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ठीक है, संस्कार बहुत जरूरी अच्छी बात है, लेकिन आपको जो कहते हैं रूल्स होते हैं रोड पे जो फॉलो करने, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चिड़ियाघर की चुहिया एकदम नॉर्मल से और काफी अच्छी उस तरह की थी, और इसमें दबंग रोल में कहीं ना कहीं सलमान का भी क्रेज है पीछे लगा हुआ ये लुक थोड़ा तो फिर सलमान खान तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, सलमान खान और अक्षय कुमार, और नो डाउट मुझे सिंघम में अजय देवगन बहुत पसंद है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने सारे ऑडियंस से कि प्लीज़ आप हमारा ये एपिसोड ज़रूर देखें चिड़ियाघर का, क्योंकि मेरे बहुत अलग अलग आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे, मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स मतलब किए हैं, शूट किए हैं हम लोगों ने, लुक भी मेरा बहुत अलग अलग है, और ये तो मैंने मतलब 5 सीक्वेंस शूट किया है, और मैंने मतलब बहुत इन्जॉय किया मैंने इसको शूट करने में, लिटरली मैंने हवा में उड़ के मारा है गुंडों को, 4 बड़े बड़े गुंडों को। तो इंस्पेक्टर का रोल करते हुए किसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया, अजय देवगन या सलमान का? यहाँ पे तो अजय देवगन को फॉलो, अजय देवगन को फॉलो, थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा है एटीट्यूड वो सल्लू भाई का लेके आई हूँ मैं, लेकिन अजय देवगन ज्यादा फॉलो। अभी गणपति आ रही है तो एक अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छा सा विशेष अपनी तरफ से। मैं जी बिल्कुल, गणपति आ रहे हैं, मैं गणपति जी को बहुत मानती हूँ, मैं अपने घर भी गणपति जी लेके आ रही हूँ, और हाँ प्यारे से बप्पा मेरे घर आ रहे हैं, और मैं यही बोलूँगी कि वो तो विघ्नहर्ता हैं, वो सारे हम जितने भी ऑडियंस हैं हम मतलब गणपति जी से मैं प्रे करूँगी कि हम सब के पापों को दुखों को हरे, और जब भगवान आते हैं धरती पर हम लोग इतना मानते भी हैं, उसके बाद भी हम लोग बुरे काम करने से क्यों नहीं रुक रहे हैं, गंदी सोच को हटाओ, बुरी जो आप
जो सोच है, बुरे कर्म है, उनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है. सबकी ज़िंदगी चार दिन की, कुछ पता नहीं है कौन कब आया है, कब चला जाएगा. तो प्लीज़ जितना रह सकते हो मिल बांट के अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का भला करो. फालतू में मारपीट दंगे फसाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है. गणपति बप्पा मोरिया, हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको. थैंक यू. रुकिए, आज आपके रोल में हम पिक चाहिए हमें, और ये पोजीशन भी ले लो.